जय श्री श्याम, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बाबा श्याम को निशान चढ़ाने के बाद उस निशान का क्या होता है। बाबा श्याम के भक्त रिंगस से 18 किलोमीटर की पद यात्रा करके खाटू धाम मंदिर में निशान चढ़ाते हैं। तब बाबा को निशान चढ़ा देने के बाद इस निशान का क्या करते हैं, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए निशान का क्या होता है। बाबा श्याम को लाखों की संख्या में निशान चढ़ाए जाते हैं, हर दिन बाबा श्याम को निशान चढ़ते हैं। बाबा श्याम के भक्त आखिरकार इन निशान का क्या होता है खाटू धाम मंदिर में चढ़ने के बाद, तो चलिए जानते हैं। बाबा श्याम को निशान चढ़ा देने के बाद यहाँ पर एकत्रित कर देते हैं। ये वही निशान है जो आप लोग ही लेकर आते हो बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए। तब ये निशान आपसे खाटू धाम मंदिर में ले लिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर एकत्रित करके रख देते हैं। तब यहाँ से बहुत सारे श्याम प्रेमी अपने लिए निशान तलाश कर रहे हैं। सभी श्याम प्रेमी अपने पसंद का निशान ढूंढ रहे हैं। किसी को लाल रंग का निशान चाहिए तो किसी को नीला, पीला, हरा, गुलाबी आदि रंग का चाहिए। जिसको जो रंग का पसंद आ रहा है वो उसी रंग का निशान यहाँ से ले रहा है। आप भी जब खाटू धाम आए तो आप यहां से निशान लेकर जा सकते हो। निशान को क्यों लेकर जा रहे हैं ये श्याम भक्त, निशान को क्यों लेते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। बाबा श्याम का निशान आप खाटू धाम से लेकर अपने घर जब जाओगे, तब इस निशान को आप अपने घर की छत पर या अपने घर में एक ध्वजा के रूप में लगा सकते हो। ये निशान विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस निशान को अपने घर की छत पर लगाने से आपको किसी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी खाटू धाम आए तब ये निशान जरूर लेकर जाना अपने घर पर। और मंदिर कमेटी निशान को इसलिए इकट्ठा करती है, बाबा श्याम के निशान का दुपट्टा बनाती है। जब बाबा श्याम का फाल्गुन मेले का समापन हो जाता है तब जो श्याम प्रेमी आते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, तब उन श्याम प्रेमियों को दुपट्टा दे दिया जाता है श्याम मंदिर की तरफ से। इस निशान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस निशान को आप अपने घर की छत पर लगा सकते हो, आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।